हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब? मस्त एकदम? आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है SN1 और SN2 में अंतर। हमने लास्ट दो लेक्चर में SN1 और SN2 की क्रियाविधि को पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज का लेक्चर समझने के लिए आपको वो दो लेक्चर देखने बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्णावत और आप देख रहे हो RS कर्णावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, अंतर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट अंतर तो इनके नाम का ही कर लेते हैं। देखो, SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और यहां पर वन क्या है? आणविकता है। तो इसमें कितने अणु भाग लेंगे? एक। इसमें कितने अणु भाग लेंगे? दो। इसमें केवल एल्किल हैलाइड आता है, प्रथम पद की बात कर रहे हैं, और इसमें एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों आता है। ठीक है बच्चों, तो देखो फर्स्ट तो नाम ही लिख लेते हैं। तो इसका नाम है एकाणुक, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है बच्चों, और इसका नाम है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, अब देखो इनके नाम से जो अंतर निकलते हैं ना, वो पहले लिख लेते हैं। एकाणु का मतलब इसकी आणविकता या फिर कोटि क्या होगी? एक। और यहां पर द्विअणु है, इसका मतलब इसकी आणविकता या कोटि क्या होगी? दो। बच्चों, वैसे आणविकता और कोटि में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन वो हम रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं। यहां पर आपको एक ही मानना है, कोटि का मतलब वेग नियम में जो सांद्रता की घात होती है उनके योग को कोटि कहते हैं, जबकि आणविकता का मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो इनमें बहुत अंतर होता है, लेकिन वो हम रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं, यहां पर इनको एक ही मान लो। तो देखो, दूसरा अंतर क्या हो गया? एकाणु का मतलब इसकी आणविकता या कोटि कितनी हो गई? एक। तो इसकी आणविकता या कोटि, आणविकता या फिर कोटि एक होती है। ठीक है बच्चों, और इसकी आणविकता या कोटि या कोटि कितनी होती है? दो होती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो थर्ड अंतर। तो थर्ड अंतर हम यहां से निकालेंगे कि आणविकता का मान एक है, इसका मतलब एक अणु ही भाग लेगा। अब बच्चों, यह दो पदों में होती है, लेकिन वेग बताने वाला पद प्रथम पद ही होता है, और इसके प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड आता है, क्योंकि नाभिक स्नेही द्वितीय पद में आता है। इसका मतलब इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं करता, वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि वेग बताने वाला कौन सा पद होता है? प्रथम पद। जबकि देखो, यह एक ही पद में होती है और इसमें एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों आते हैं, इसका मतलब इसमें अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो अगर हम वेग लिखेंगे, वेग बराबर के और एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें रासायनिक बलगतिकी की है। ठीक है, तो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है ना, इसमें एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसमें अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड, आरक से लिख रहा हूं मैं एल्किल हैलाइड को, वह नाभिक स्नेही Nu-, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, निर्भर करता है। तो बच्चों देखो, अभिक्रिया का वेग दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा ना, तो के ये तो हो गया एल्किल हैलाइड और ये हो गया नाभिक स्नेही।
ठीक है। तो देखो घात को हम कोटि बोलते हैं, यहां पर सांद्रता की घात कितनी है, एक। यहां पर देखो इसकी एक घात और इसकी एक घात, तो इसकी कोटि दो हो गई। ठीक है। अब देखो बच्चों यह कितने पदों में संपन्न होती है, यह दो पदों में संपन्न होती है। तो यह क्रियाविधि दो पदों में संपन्न होती है। ठीक है बच्चों। और यह क्रियाविधि एक पद में संपन्न होती है। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि एस एन टू का मतलब दो पदों में नहीं, यहां पर टू का मतलब आणविकता से है, ना कि पद से, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, तो ध्यान रखना एस एन टू एक पद में होगी और एस एन वन दो पदों में होगी। यहां पर वन और टू का मतलब है आणविकता से। ठीक है बच्चों। तो यह क्रियाविधि, यह क्रियाविधि एक पद में संपन्न होती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो इसमें क्या बनता है, आपने देखा है एस एन वन में मध्यवर्ती के रूप में कार्बद नयन बनता है, जबकि एस एन टू में संक्रमण अवस्था बनती है। तो इसमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बद नयन बनता है, ठीक है ना। कार्बद नयन बनता है, जबकि इसमें क्या बनती है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, इसमें नाभिक स्नेही क्या होता है, दुर्बल नाभिक स्नेही होता है। क्यों? क्योंकि वह हेलोजन के साथ कार्बन पर आक्रमण नहीं करता है, हेलोजन के निकलने का इंतजार करता है। कहने का मतलब प्रथम पद में हेलोजन निकलेगा और दूसरे पद में मतलब द्वितीय पद में नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, इसका मतलब कमजोर नाभिक स्नेही है। तो नाभिक स्नेही क्या होता है, दुर्बल। अगर नाभिक स्नेही दुर्बल है ना, तो एस एन वन होगी। अगर नाभिक स्नेही प्रबल है तो वो हेलोजन के साथ ही कार्बन पर पीछे से आक्रमण कर देगा, तो एस एन टू होगी। ठीक है बच्चों। तो नाभिक स्नेही दुर्बल होता है ना। नाभिक स्नेही दुर्बल अगर होगा तो एस एन वन होगी, अगर नाभिक स्नेही प्रबल होगा तो एस एन टू होती है। ठीक है। नाभिक स्नेही प्रबल होता है, या फिर इस अंतर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि नाभिक स्नेही दुर्बल होगा तो एस एन वन क्रियाविधि होगी, यदि नाभिक स्नेही प्रबल होगा तो एस एन टू क्रियाविधि होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब देखो इसमें विलायक के रूप में हम क्या काम में लेते हैं, प्रोटिक ध्रुवीय विलायक। ठीक है। इसमें प्रोटिक ध्रुवीय विलायक विलायक का उपयोग किया जाता है। तो प्रोटिक मतलब प्रोटॉन देने वाला, तो एग्जाम्पल के रूप में आप H2O लिख सकते हो ना। ठीक है। अब देखो ये H2O किस में टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। कहने का मतलब यह है H प्लस दे सकता है, मतलब प्रोटॉन दे सकता है, तो प्रोटिक तो है। और ये देखो ध्रुवीय भी है, कैसे है, H O और H, तो ऑक्सीजन की विद्युत दृढ़ता ज्यादा होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर बनेगा आंशिक माइनस, आंशिक प्लस और आंशिक प्लस, और जहां पर आपको प्लस माइनस दिख जाए उसका मतलब होता है ध्रुवीय। तो ये भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है ना। कौन हो सकता है, एसिटिक एसिड। तो एसिड है, इसका मतलब प्रोटॉन तो देगा, एच प्लस तो देगा, और साथ में यह है ध्रुवीय भी है। देख लो ध्रुवीय कैसे है, ऑक्सीजन की विद्युत दृढ़ता ज्यादा, ऑक्सीजन पर माइनस कार्बन पर प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसमें क्या होते हैं, प्रोटिक ध्रुवीय विलायक। और इसमें कौन सा विलायक होता है, अप्रोटिक ध्रुवीय विलायक। इसमें अप्रोटिक ध्रुवीय विलायक का उपयोग किया जाता है।
ध्रुवीय विलायक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ऐसा विलायक होना चाहिए जो प्रोटॉन ना दे लेकिन ध्रुवीय हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एसीटोन है ना। क्या है? एसीटोन। तो देखो यहां पर बता देता हूं कि एसीटोन में ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब प्रोटॉन कहां से निकलेगा? और ये ध्रुवीय कैसे है? बंद के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और कार्बन पर क्या आएगा? प्लस आएगा। इसका मतलब ध्रुवीय तो है लेकिन अप्रोटिक है, यह है प्रोटॉन नहीं देगा। तो बच्चों आ गई बात समझ में? तो ये अंतर आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो, उसके बाद और अंतर करते हैं। तो फटाफट लिख लो इनको। तो बच्चों अपना नेक्स्ट है, देखो SN1 कंप्लीट होती है रेशमीकरण के साथ। कहने का मतलब SN1 में रेशमिक मिश्रण बनता है। रेशमिक मिश्रण का मतलब 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और 50% वाम ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मतलब है कि ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाए, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए, वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। जबकि वाम ध्रुवण घूर्णक का मतलब जो समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घुमाए, कहने का मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाए। ठीक है? तो यह रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है ना। ये पूरी बातें आप पढ़ चुके हो इन दोनों क्रिया विधियों में लास्ट दो लेक्चर में। और यह किसके साथ कंप्लीट होती है? विन्यास के प्रतिपन के साथ। यानी कि अगर क्रियाकारक डी है तो उत्पाद एल होगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा विन्यास परिवर्तित हो जाता है। अगर क्रियाकारक एल है तो उत्पाद डी होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है बच्चों? तो यह क्रियाविधि रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है। रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है। ठीक है? इसमें क्या बनता है? इसमें रेशमिक मिश्रण बनता है। रेशमिक मिश्रण बनता है। रेशमिक मिश्रण का मतलब अर्थात 50% तो बनता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? डी, या फिर प्लस वह 50% वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एल या फिर माइनस बनता है। ठीक है बच्चों? और यह विन्यास के प्रतिपन के साथ पूर्ण होती है। यह क्रियाविधि विन्यास के प्रतिपन के साथ पूर्ण होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे वाल्डन प्रतिपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वाल्डन प्रतिपन। आ गई बात समझ में? तो बच्चों नेक्स्ट है, अब देखो इनका क्रम लिखते हैं। तो क्रम भी आप इन दोनों क्रियाविधियों में पढ़ चुके हो। तो क्रम का मतलब हम दो प्रकार से लिखेंगे, एक बार तो हेलोजन अलग अलग हो, एक बार हाइड्रोकार्बन अलग अलग हो। तो पहले हेलोजन को अलग अलग करते हैं। यदि हेलोजन असमान व हाइड्रोकार्बन समान हो, ठीक है ना? चलो लिख लेना कि हेलोजन असमान और हाइड्रोकार्बन समान हो। तो बच्चों सबसे ज्यादा कौन देता है? एल्किल आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड और उसके बाद फ्लोराइड। अगर हेलोजन अलग अलग होना तो ये क्रम होता है। अब देखो हेलोजन समान और हाइड्रोकार्बन असमान लेना है। यदि हेलोजन समान हो
वह हाइड्रोकार्बन अलग अलग हो, हाइड्रोकार्बन भिन्न हो, ठीक है ना। तो उसमें देखो, एक तो हम मैथिल क्लोराइड लेते हैं, एक हम लेते हैं CH3CH2Cl, एक हम लेते हैं CH3CH और ये CH3Cl, और एक बच्चों हम ये लेते हैं CH3CH3। चलो इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं, एक ये लेते हैं CH3CH3CH3 और ये Cl। तो बच्चों ये आपका मैथिल क्लोराइड, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये द्वितीयक और ये तृतीयक। इसे मान लो ये 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो इनमें क्रम कौन सा होता है? तो SN1 सबसे ज्यादा तृतीयक देता है ना, क्योंकि तृतीयक कार्बोनाइन बनेगा इससे, और तृतीयक कार्बोनाइन सबसे ज्यादा सही होता है। तो बच्चों SN1 में हम कार्बोनाइन का स्थायित्व है देखते हैं, जबकि SN2 में पीछे से आक्रमण देखते हैं। जिसमें पीछे से आक्रमण आसानी से होता है ना, वो SN2 जल्दी देगा, और जिसका कार्बोनाइन जितना ज्यादा सही होगा वो SN1 उतना ही जल्दी देगा। तो बच्चों क्रम यह बना फिर, ठीक है, कि सबसे ज्यादा ये देगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। अब देखो इसमें देखते हैं, यदि इसमें हेलोजन असमान हो, तो ये तो क्रम तो देखो सेम टू सेम है, तो ये दोनों बातें लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो देखो क्रम सेम टू सेम होगा दोनों में, ठीक है बच्चों। अब इसमें अंतर होगा कैसे? इसमें पीछे से आक्रमण देखना है, तो इस कार्बन पर तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन तो से तो त्रिविम बाधा बनती नहीं है, बड़े समूहों से त्रिविम बाधा बनती है। तो इजीली अटैक पीछे से किस में होगा? यहां पर होगा ना। तो ये ऑर्डर ऐसे हो जाएगा कि CH3Cl सबसे ज्यादा, उसके बाद CH3CH2Cl, उसके बाद देखो CH3CH3Cl, और सबसे कम कौन देगा? CH3CH3CH3 और ये Cl। बच्चों ये सबसे कम देगा, आ गई बात समझ में? क्यों देगा? क्योंकि इसमें इस कार्बन पर पीछे से आक्रमण करना कठिन है, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए तीन एल्किल समूह लगे हुए हैं, वो आगे आ जाएंगे तो इस कार्बन पर आक्रमण नहीं हो पाएगा। आ गई बात समझ में? अब बच्चों देखो नेक्स्ट, इनकी ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक में ग्राफ बनाते हैं। तो देखो कभी कभार पूछ लिया जाता है ये भी, तो देखो कि इस साइड तो है एनर्जी, और रिएक्शन प्रोग्रेस की रिएक्शन कैसे होती है? अभिक्रिया निर्देशांक, ठीक है बच्चों। तो देखो SN1 कितने पदों में होती है? दो पदों में होती है ना, तो इसमें दो ऊर्जा के बैरियर आएंगे, जबकि SN2 कितने पद में होती है? वैसे देखो आप अभिक्रिया का ग्राफ जानते हो ना, जैसे मान लो ये अपने क्रियाकारक की ऊर्जा है, किसकी ऊर्जा है? क्रियाकारक की, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक की ऊर्जा। तो अभिक्रिया ऐसे ही चलती है ना, इस टाइप से, कि यहां पर सक्रिय संकुल बनता है। तो बच्चों ध्यान रखना अभिक्रिया का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखो लेकिन SN1 में क्या होगा? SN1 दो पदों में होगी, एक पद में कार्बोनाइन बनेगा। SN1 कितने पदों में होगी? दो पदों में, एक पद में कार्बोनाइन, तो यहां पर मान लो आपका कार्बोनाइन बन गया। उसके बाद दूसरे पद में क्या होगा? उत्पाद बनेगा, तो दूसरे पद में उत्पाद बनेगा। तो देखो दो ऊर्जा के बैरियर आएंगे ना, ठीक है, क्योंकि यह क्रियाविधि कितने पदों में होती है? दो पदों में होती है। तो यहां पर क्या बना है आपका? कार्बोनाइन बना है। क्या बना है? कार्बोनाइन, यह बच्चों आपका कार्बोनाइन है। जबकि इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये ऊर्जा और ये अभिक्रिया निर्देशांक, तो यह बताओ कितने पदों में होगी? एक पद में ही होगी ना। तो यह देखो यहां पर उत्पाद बन गया, तो ये इतनी उत्पाद की ऊर्जा हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर मान लो अपने क्रियाकारक की ऊर्जा है, तो क्रियाकारक को उत्पाद बनाने के लिए एक ऊर्जा का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, यहां तक कि ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ये सारी बातें बच्चों रासायनिक बलगतिकी की है, ठीक है। तो यह तो एक पद में हो रही है, तो सिंपल ये ग्राफ आएगा, और यहां पर उत्पाद बन गया, और ये क्या है? संक्रमण अवस्था। तो ये क्या है? संक्रमण अवस्था। तो बच्चों यहां पर ये लिख सकते हो, यहां पर हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास संक्रमण अवस्था कैसे बनी थी? कि H R R डैश, और इस साइड लगा हुआ है हेलोजन,
और इस साइड लगा हुआ है नाभिक स्नेही। तो यही तो थी संक्रमण अवस्था, तो लास्ट लेक्चर में देख लेना। तो बच्चों इसमें ऊर्जा का एक ही बैरियर आएगा, इसमें ऊर्जा के कितने बैरियर आएंगे? दो, ठीक है ना, क्योंकि यह क्रियाविधि कितने पदों में होती है? दो में। और यह क्रियाविधि कितने पदों में होती है? एक में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर SN1 और SN2 में जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। तो बच्चों यदि आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।